Hello friends, I am Dr. Vivek Kumar Srivastava and I welcome all of you in this video lecture course. तो आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस पे है. देखिए अगर ये कोर्स में है चाहे CSIR हो चाहे गेट हो BSc MSc अगर किसी कोर्स में है तो एक क्वेश्चन जरूर आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और हमें उससे विद इन 1 मिनट करना भी होता है 1-2 मिनट. तो उसके लिए एक बड़ा ही आसान ट्रिकी मेथड है उससे हम बड़े आसानी से चेक कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं. जैसे ये फंक्शन है FX इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन AB, कैसे चेक करेंगे देखते हैं इसे हम. तो देखिए पहला स्टेप ये है कि ये जो फंक्शन दिया गया है FX इट इज कंटिन्यूस इन AB. पहला ये फंक्शन किसमें इस AB में कंटिन्यूस होना चाहिए राइट. दूसरा स्टेप है आसान चेक करने का, सबसे मैक्सिमम इसी से चेक किया जाता है कि वो फंक्शन इस A और AB दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा कि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि नहीं. अगर ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा और कंटिन्यूस है तो हम ये कहते हैं दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में CSIR के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. बहरहाल मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा भी देता हूँ जो CSIR में हर बार या गेट के एग्जाम में आप पूछता रहता है. देखिए क्वेश्चन है आपका जून 2016 का, ये पूछा हुआ है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है 0-1 पे. तो बड़े आराम से चेक कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको अभी डिफिनीशन बताया कि लिमिट ये फंक्शन इस दोनों लिमिट पे 0 और 1 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो देखिए 1/90 ये तो कन्फर्म हो गया ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा. 1/0 यहाँ भी पुट करेंगे ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो सकता. लेकिन ये देखिए 0 अगर यहाँ पुट करेंगे ये अगर इनफाइनाइट भी हो गया तो 0 × ∞ 0 यानी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इसी तरीके से. और 1 पे भी ये एग्जिस्ट करेगा. ये देखिए sin 0 अगर sin 0 यहाँ रखें तो ये भी एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू 1 आती है लिमिट. और 1 रखें तो भी एक फाइनाइट वैल्यू देती, यानी ये प्रॉब्लम में ये ऑप्शन ये देखिए मोर देन 1 वाला सेक्शन सी का है तो ये A और B कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन C और D आएगा. इसी तरीके से फिर दिसंबर 2016 में भी आया हुआ ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सब एक साथ मैंने सॉल्व किया है 2012 से लेकर 18 तक के प्रॉब्लम को. तो आपने देखा किसी भी फंक्शन को अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है तो बहुत ही आसान है. पहला वो फंक्शन को हम चेक कर लें कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं उस इंटरवल में. दूसरा वो फंक्शन दोनों बाउंड्रीज पे ए और बी पे जो भी दोनों पे फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए. तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं. एक क्वेश्चन जरूर चाहे CSIR हो चाहे गेट हो BSc MSc सब में आता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. मैं अगले वीडियो में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा. थैंक यू वेरी मच.